हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंजीनियरिंग लर्निंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोमीटर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्प्लाइन माइक्रोमीटर। इट इज यूज फॉर मेजर टू शाफ्ट, कीवेज, स्लॉट्स एंड ग्रूव्स एक्सेट्रा। तो इसका यूज कीवेज होती है, शाफ्ट होती है, स्लॉट्स है एंड ग्रूव्स है, ये सब मेजर करने के लिए किया जाता है। और इसकी रीडिंग यानी लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। मतलब कम से कम इससे हम 0.01 mm तक माप सकते हैं। किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए यहाँ पे बीच में होल्ड किया जाता है। किसी भी चीज को मेज़र करने के लिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में मेज़र किया जाता है। और यहाँ पे इसको मेज़र करने के लिए इसको अप कम ज़्यादा किया जाता है अकॉर्डिंग टू वर्क पीस। इसके बाद आता है पॉइंट माइक्रोमीटर। तो पॉइंट माइक्रोमीटर का यूज होता है कीवेज, स्मॉल ग्रूव्स एंड ड्रिल्स, ड्रिल थिकनेस। तो ये सब मेज़र करने के लिए इसका यूज होता है। ये दो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट के बीच में वर्क पीस रखा जाता है और इसको मेज़र किया जाता है। और इसकी रीडिंग यानी कि लिस्ट 0.01 mm है। इसके बाद आता है डिस्क माइक्रोमीटर। तो डिस्क माइक्रोमीटर का इट इज़ यूज फॉर मेज़र गियर टीथ, सॉफ्ट मटेरियल लाइक प्लास्टिक, फॉर्म एक्सेट्रा। तो इसका यूज़ गियर के जो टीथ होते हैं और सॉफ्ट मटेरियल प्लास्टिक है, फॉर्म है, इसको मेज़र करने के लिए किया जाता है। और इसकी रीडिंग है 0.01 mm। इसके बाद आता है ब्लेड माइक्रोमीटर। इसका यूज़ कीवेज, डाया ऑफ शाफ्ट, ग्रूव्स एंड स्क्रू थ्रेड पिच एक्सेट्रा। तो स्क्रू के जो पिच होती है उसको मेज़र करने के लिए भी ब्लेड माइक्रोमीटर का यूज़ होता है। शाफ्ट का डाया क्या होता है, ग्रूव्स है, इन सबको मेज़र करने के लिए ब्लेड माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। और इसकी रीडिंग होती है 0.01 mm। इसके बाद आता है डिजिटल पिस्टल ग्रिप माइक्रोमीटर। तो यूज़ फॉर मेज़र डीप होल्स, स्लॉट्स, ग्रूव्स, थ्रेड्स, पॉइंट, स्पेरिकल एंड स्प्लाइंस, इन सबको मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि डीप होल्स हो, स्लॉट्स हो, थ्रेड हो, जो पॉइंट होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, इन सबको मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्प्लाइंस हो, और इसकी रीडिंग होती है 0.001 mm। ये काफ़ी एक्यूरेसी से मेज़र करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ माइक्रोमीटर के प्रकार और उनके यूज़ तथा उनकी रीडिंग क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।